मीडिया चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं अपने वर्कर सईद अहमद जान शहीद मरदान में मैं सबसे पहले उनके घर गया हूँ और जो हमारे दूसरे वर्कर लाहौर में शहीद हुए हैं फैसल अब्बास उनके घर हमारी बाकी पार्टी मेंबर्स गए हमने एक एक करोड़ को, रुपया अपनी पार्टी की तरफ़ से हम ख़ुद इकट्ठा करेंगे इन, इन दोनों के लिए मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो कि एक आज़ादी हकीकी आज़ादी के जज्बे से निकले थे और इन्होंने फ़ैसला किया था कि हमने दो एक बैरूनी मुल्क की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसलत की गई और उसके अलावा जो सारा पाकिस्तान का करप्ट तरीन लोग माफिया जिनको इस मुल्क के ऊपर बैठाया गया तो ये इन्होंने घर से निकले थे जिस तरह हमारे सारे लोग निकले थे एक मुल्क की एक आज़ादी के लिए इस गर्मी में इस इन हालात के अंदर आ, आ, सोच के ये निकले थे तो इसलिए मैं सबसे पहले तो इनके लिए जितनी भी खराज तहसीर इन, इनको इनको और इनके ख़ानदान को हम दे सकें वो कम है जो हुआ हमारे साथ एक पुरमन एजाज और एहतजाज क्यों था पहले कॉन्सप्रेसी के ज़रिए हुकूमत आती है फिर वो पूरी कॉन्सप्रेसी बनती है और उसके अंदर हर किस्म का एक्टर शामिल हो के एक 22 करोड़ लोगों की इलेक्टेड हुकूमत को गिराता है और जो मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की तोहन ये है कि तीस साल से जो लोग इस मुल्क को खा रहे थे पैसे चोरी करके बाहर भेज रहे थे हर किस्म के जुर्म कर रहे थे उन लोगों को इस मुल्क के ऊपर मसलत किया जाता है तो इसके खिलाफ एक पुरमन भी करने की इजाजत नहीं दी गई जो इस कौम को गुस्सा है जो मैं मैंने तो फैसला किया कि मेरी जो बाकी जिंदगी है वो सिर्फ इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए कि किसी सूरत एक कौम अगर इन इस चीज़ को तस्लीम कर जाए कि पहले आप कॉन्स्परेसी करते हैं उसके बाद आप चोरों को ऊपर बिठा देते हैं जो कि जो मगरबी जमहूरतें मैं जानता हूँ कोई सोच नहीं सकता कि जमानत के ऊपर इंसान को कोई उहदा दिया जाए उसको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और फिर साठ फीसद कैबिनेट जमानत पर होती है अब इसके खिलाफ अगर पूरा मन इतजाज एक कॉम नहीं कर सकती तो फिर उस कॉम को वो उसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए क्योंकि फिर क्या रह गया एक तरफ कहते हैं जमहूरियत है जमूरीत के अंदर हर दुनिया की जमूरीत में आपको हक बनता है एहत करने का पूरा मन एहतिया करने का। वो हक भी ना दिया जाए पहले इन्होंने जब रात के अंधेरे पे हमले किए लोगों के घरों में गए पंजाब पुलिस ने जिस तरह हमारे कारकुनों के अंदर ना उन्होंने देखा औरतें हैं ना देखा बच्चे हैं जिस तरह उन्होंने दो दो तीन तीन बजे रात के सुबह के यानी घरों में घुसे उसके बाद हम अदालत के पास गए और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया और उन्होंने एडवाइज़ की कि जनाब ये आपको पुलिस को ये नहीं करना चाहिए उन्होंने ये भी रुकावटों के ऊपर भी कहा हमें ये लगा उसके बाद कि अब तो सारी रुकावटें भी हटा दी जाएंगी और अब कोई पुलिस की कार्रवाई भी नहीं होगी तो इसलिए जो भी हुआ उसके बाद हमारे में से कोई इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हम सब समझ रहे थे कि अब तो अदालत का फैसला आ गया मेरे ख्याल में ग्यारह बारह बजे आ गया था तो सब समझ रहे थे कि अब सारी रुकावटें भी हटा दी जाएंगी अब कोई पुलिस एक्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमारा हक हाँ है पूरा मन ऐतजाज तो जो चीजें कौम ने देखी जो कौम के सामने चीजें आई दो शहीद फैसल अब्बास और फिर से मैं कहता हूँ सईद अहमद जान इनको वो रास्ते में ख़ास तौर पर फैसल अब्बास को तो पुल से फेंका गया रावी के नीचे से तो जो फिर औरतों से किया गया बहनों से किया गया बच्चों से किया गया बेटियों से किया गया वकीलों से किया गया जो लाहौर में बस में वकील जा रहे थे उनको निकाल निकाल के जिस तरह पुलिस ने मारा मैं ये स... यानी सारी कौम के सामने ये ये जुल्म हुआ और जिस तरह पुलिस ने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया क्योंकि मैं पंजाब पुलिस को जानता हूँ हमारे साढ़े तीन साल में हमने बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स देखे लेकिन उन्होंने चुन चुन के उन ऑफिसर्स को ऊपर बैठाया जो इस्लामाबाद के ऑफिस आईजी को सजा होने वाली थी लाहौर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट की करप्शन उसको वापस लेके आए शबाज शरीफ इन्होंने चुन के लोगों को प्लेस किया और उनसे फिर जुल्म करवाया हमारे जिस तरह उन्होंने उमर एयूब एक मिनिस्टर वो बात करने गए पुलिस के साथ जो उसको उन्होंने मारा है बेदर्दी से मैं अभी तक मैं ये सोच रहा हूं कि कौन अपनी अपने अपनी आवाम को लोगों को शहरियों को बच्चों को औरतों को बेटियों को कौन सी पुलिस इस तरह मुल्क दुश्मन करके इस तरह मारती है और जैसे जैसे रास्ते में हमें खबरें आती गईं क्योंकि हमें बड़ी देर लगी बीस घंटे लगे पहुंचते-पहुंचते और खास तौर पर जब हम पिंडी और इस्लामाबाद में जब घुसे तो जो जिस तरह आवाम निकली और सारी रात आवाम खड़ी रही सड़कों के ऊपर मैं हैरत थी कि फैमिलीज़ खड़ी थी बच्चे थे बच्चे उठाए हुए थे लोगों ने तो मैं ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हम कोई इंतजार करने जा रहे थे मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कोई अपने बहनें बच्चों को औरतों को लेके जाता है इंतजार करने के लिए क्या लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि किस तरह के लोग निकल रहे थे जब शेलिंग की गई डी चौक के अंदर बार बार शेलिंग की गई देखा नहीं आप तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें हैं कि कौन लोग थे जिनके ऊपर वो शेलिंग कर रहे थे ये कौन से दहशतगर्द थे ये किस तरह की कौन सी पुलिस अपने लोगों के ऊपर इस तरह करती है फिर जो लिबर्टी चौक में लोग निकले हैं वो फैमिलीज निकली हुई थी लाहौर में उनके ऊपर जो शेलिंग की गई जो कराची में किया गया जिस तरह का तशद कराची में किया गया यानी कौन सी मुल्क पुलिस से इस तरह की इस तरह का जुल्म करवाते हैं ये हैं यजीद के मानने वाले लोग ये हैं उनके फॉलोअर्स यजीद के राना सना शबाज शरीफ हमज़ा शरीफ ये वो लोग हैं हम शबाज शरीफ और राना ना अगर इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम इनको सजाएं देता है जब इन्होंने मॉडल टाउन में चौदह लोगों को सबके सामने टीवी के सामने गोलियां मारी और कुछ साठ लोगों को गोलियां लगी थी चौदह लोग मारे गए थे अगर तब सजा मिल जाती तो शायद इस हट से ये इस तरह का ना करते जो सारी कौम ने देखा तो मैं एक अपनी पार्टी के भी बड़े मेरे लोग मायूस अंदर से हमारे कारकुन कि आपने क्यों नहीं वहाँ जाके क्यों नहीं वहाँ बैठ के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जो कि 126 दिन धरने में बैठा हूँ मेरे लिए इतना देर बैठना जितनी देर ये घुटने टेकती है गवर्नमेंट मेरे लिए क्या मुश्किल था लेकिन मुझे जब तक मैं वहाँ पहुँचा मुझे पूरी तरह इल्म हो गया कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ मेरी कॉम गौर से सुनाइ अगर मुझे अपने मुल्क की फ़िक्र ना होती अगर मैं ये मुझे ये मेरे भी बाहर पैसे पड़े होते और जायदादें पड़ी होती और डॉलर्स पड़े होते और ऑफ शोर अकाउंट्स होते और महलों में मैं रह जा होता और मेरे बेटे भी बड़े बड़े ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में रह रहे होते जिस तरह इनके दो खानदानों की सारी पैसे बाहर पड़े हैं तो मुझे भी शायद फ़िक्र ना होती अपने मुल्क की क्योंकि मुझे पता था उस दिन रात को खून खराबा होने लगा था लोग हमारे तैयार हो गए थे आम लोग तैयार हो गए थे जिन्होंने वो दहशतगर्दी देखी जो पुलिस के जरिए करवाई गई और जो जुल्म किया गया सब लोग तैयार हो गए थे लड़ने के लिए उस दिन रात को हमारे लोग कई इतने गुस्से में थे जो उन्होंने वह तमाशे देखे हैं जिस तरह पुलिस ने उनसे उन किया है और हर जगह पुलिस ने किया जो लोग पुलिस की मार खा के वहां तक पहुंचे जिन्होंने उमर यूब की हाल देखा जो वो मेरा हमारे साथ जब कंटेनर में आया वो जाके पुलिस को समझा रहा था और उन्होंने जो उससे तशद किया है ये भी नहीं देखा कि एक मिनिस्टर है कोई किसी ने कोई मुजरम नहीं है ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी पुलिस को म करने के लिए तो जो गुस्सा था उस वक्त मैं उस दिन शाम को बैठ जाता मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था हमारी पुलिस के ख़िलाफ़ नफरतें बढ़नी थी बढ़ चुकी थी मज़ीद और बढ़नी थी लेकिन पुलिस भी अपनी है पुलिस के आम लोग पुलिस वालों का कसूर नहीं है ये ऊपर जो इन्होंने बैठाए हुए थे मुजरिम और ये जो और जो गुल्लू बट बैठाए हुए थे और जो पीछे से ये जजीद ज़ी, मैं फिर से कहता हूँ ये जजीद के वो मानने वाले हैं जिन्होंने उनको आगे कर रहे थे कि उन कह रहे थे जुल्म करो अगर वहाँ खून खराबा हो जाता मुल्क में इंतजार पड़ना था म, मुल्क के आगे मैशत का जो हालात है वो आप उसके बाद में बाद में बात करूँगा उसके ऊपर ये इंतजार शुरू हो जाता ये मेरे मुल्क का नुकसान था इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी ये कमज़ोरी थी और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई इस्टेबलिशमेंट से डील हुई है मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा नफरतें बढ़ेंगी इदारों के बीच में और आवाम और इदारों के बीच में फासले बढ़ेंगे ये हमारे मुल्क की कम मुल्क को नुकसान है दुश्मनों का फायदा है ये सिर्फ एक चीज़ थी जिसने मुझे उस रोका वहाँ बैठने से और मैं ये वाजे कर दूँ कि अगर किसी का ख्याल है ये इनको खुश फहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे निगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे किसी कोई गलत फहमी में ना रहे मैंने ये फैसला किया हुआ है कि मैं इसको जहाद समझता हूँ मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँ मुझे किसी चीज़ की ना कोई फिक्र है ना परवाह है ज़ाती तौर पर सिर्फ अपने मुल्क की फ़िक्र है तो लिहाजा मैं आज ये वाज कर दूँ कि हम छः दिन दे रहे हैं उसके अंदर अगर इन्होंने ना अनाउंस किया इन्होंने ना वाज तौर पे अनाउंस किया कि कब ये डेट अनाउंस करेंगे इलेक्शन की इन्होंने वाज तौर पे ये ना बताया कि असम्बलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे ये मैं अब फिर से निकलूँगा और मैं आपको वाज कर दूं कि अब हम निकलेंगे तैयारी करके हमारी किसी की तैयारी नहीं थी जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए हम सारे जब खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर चला जब हमें तो सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा हम सबको ये लग गया कि आप रास्ते खुल जाएंगे और अब कोई मसला पुलिस का नहीं होगा लिहाजा कोई तैयारी नहीं थी जो डी चौक में भी लोग थे अच्छा डी चौक में ये कहते हैं कि जी रेड जोन में चले गए लोगों को क्या पता इन्होंने हम इनसे परमिशन मांग रहे थे कश्मीर रोड की या श्रीनगर हाईवे की हमें परमिशन ही नहीं मिल रही थी तो हमने क्या लोगों को बताते एक ही चीज़ सारे जो धरने में लोग जानते थे वो डी चौक था इसलिए हमने डी चौक का एक पॉइंट तो बताना था उसके बाद कम्युनिकेशन इतने डरे हुए थे ये इतने बुजदल करप्ट लोग हमेशा बुजदल होते हैं सारा मीडिया चैनल के ऊपर कभी वो ए आर वाई को कभी करें क्योंकि उधर से लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे बाकी चैनल्स पे प्रेशर डाला हुआ था इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया किसी को पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा कंफ्यूजन बची हुई थी आने में हमें देर होगी क्योंकि आने में देर एक, एक तो देर हुई कि जब इस्लामाबाद में घुसे सारा वक्त तो रास्ते सारे रास्ते में पब्लिक निकली हुई थी उधर देर हुई लेकिन रास्ते में जो रुकावटें थी सारा वक्त बुरहान के ऊपर जो इन्होंने तीन जगह पर रुकावटें डाली वो सारी रुकावटें पार करते आए क्योंकि हम समझे अब रुकावटें हटा दी जाएंगी वो नहीं हटाई गई तो वो कारकुनों ने कारकुनों ने हटाई और मैं इस फिर से अपने कारकुनों को आज मैं आज पाकिस्तान की तरफ से आपको खराज तहसीम पेश करता हूँ आप इस मुल्क के हीरोज हैं आप किसी जाती के लिए नहीं निकले थे आप अपने मुल्क के लिए निकले थे इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए निकले थे और जो जज्बा जुनून मैंने आप सबका सारा रास्ता देखता हूँ बीस घंटा मैंने आपको देखा है मैं आपको सलाम करता हूँ इस कॉम की तरफ से और जब हम वहाँ पहुँचे और जो फिर वहाँ डी चौक में हमें खबरें आती रहीं वहाँ तो आम इस्लामाबाद के शहरी निकलाए थे वो तो सारे फैमिलीज बाहर निकली हुई थी उनके ऊपर उन्होंने पूरी तरह तशद किया जिस तरह की शैलिंग की गई और उस शेलिंग से जो जो आ, जितने लोग इंजर हुए जितने जख्मी हुए जो हस्पतालों में गए जिस जो शदीद शेलिंग और इस तरह की शेलिंग और इतनी देर तक कौन ऐसे करता है और फिर लोगों को देखे लोगों का रदल वो फिर वापस आते गए शेलिंग के बावजूद लोग आते गए वहाँ खातिन खड़ी थी आखिर तक और हम लेट पहुंचे, फंसते गए रास्ते में रुकावटों की वजह से और जो फिर हमें आखिर में जब वहाँ जब तक मैं पहुंचा तो इसलिए मैं ये अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसको कोई कमज़ोरी ना समझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस वक़्त मुझे पता था कि अब ये इंतशार की तरफ जाना है और उसकी वजह से मैंने ये छः दिन दिए हैं अब इन छः दिनों के अंदर मैंने आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और मैंने उनसे ये सारे सवाल किए कि क्या एक जमूरीत के अंदर एक परमन एहत करने का हमारे पास हक है या नहीं है ये फंडामेंटल रिट right है एक शहरी का क्या इस, इस तरह का आगे अगर हम कोई एहताज करते हैं और ख़ास तौर पर इन चोरों के ख़िलाफ़ और ये जो अब हरकतें कर रहे हैं जो अब असम्बली में ये करवा रहे हैं ये बिल्कुल गैर आइनी चीज़ है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका हक़ ले लें सिर्फ इसलिए कि आपको डर लगा वो आप इलेक्शन हार जाएँ ये सारे जो आप हर इस्तेमाल करेंगे मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आप समझते हैं कि हम अब ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये सब मान लेंगे चीजें और अगर हम ये ये अब समझते हैं तो आप तो, ये तो मुल्क को खुद ही हम धकेल रहे हैं एक एक बगावत की तरफ क्योंकि इसका अगला स्टेप क्या अगर आप किसी को पुरमन ऐतजाज नहीं करने देंगे तो उनके पार पर कितने रास्ते रह जाएंगे तो इसलिए मैंने चीफ जस्टिस साहब उनको भी आज आ, खत लिखा है कि क्लियर करें पोजिशन क्योंकि हमने इन्होंने अगर छः दिन के बाद ना किया मैं फिर कॉल दूंगा कॉम को और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब छः दिनों तक हमें पता चल जाएगा कि हम हमें क्या हमारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं मैं तो हैरत यह है कि जिस तरह वो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो वकील वकील एक बस के अंदर है उसमें औरतें भी हैं उनको निकाल निकाल के जिस तरह मार रहे हैं ये कभी किसी ने इस तरह की चीज़ें देखी है यानी मैं अभी तक हैरान हूँ कि कौन सा कौन सा इंसाफ का निज़ाम इस चीज़ को इजाज़त देता है और ये लोग सारी कौम को अब पता चल, चल जाना चाहिए कि हक के ऊपर कौन खड़ा है कौन इस मुल्क में जुल्म कर रहा है कौन इस मुल्क के अंदर एक मुल्क हकी की हकीकी आजादी के लिए खड़ा है और कौन इस मुल्क के लिए करप्ट निज़ाम को बचाने के लिए हर सतह पर जाने के लिए तैयार है इदारों को आपस में लड़ाने के लिए अवाम को इदारों के खिलाफ करने के लिए तैयार है नफरतें फैलाने के एक पुलिस के खिलाफ जो लोग तैयार हैं दूसरी अब मैं अपनी मैं वैसे ये जरूर कह दूं कि इस तरह के सीन्स जो इन्होंने जिस तरह की शैलिंग और की वो जनरल डायर का हम हम अभी तक वो फिल्मों में आता है कि जिस तरह वो जलियाँ वाला बाग के अंदर उसने आ, लोगों के ऊपर जो तशद किया वो तो वो तो एक हुक्मरान बाहर से आए हुए थे तो ग़ुलामों गुलाम, के ख़िलाफ़ किया एक आज़ाद कौम में जिस तरह को पुलिस का और इन्होंने इस्तेमाल किया है अच्छा जी मैं अब आना चाहता हूँ दूसरी चीज़ के ऊपर आईएमएफ, आईएमएफ के प्रेशर के में आके इन्होंने तीस रुपए, तीस रुपए लीटर डीज़ल और पेट्रोल बढ़ाया मेरा सबसे पहले सवाल ये कि क्या इतना बड़ा कभी भी पाकिस्तान में कभी भी फ्यूल की कीमत में इतना इजाफ़ा किया गया इनके लोग कह रहे हैं जी कि वो हो जी बड़ा मुश्किल इन्हीं के दम अल्ला अल्लाह अल्लाह क्या है वो कभी सच ज़्यादा देर छुपता नहीं है इन्हीं की स्टेटमेंट सुन लें हैं मफ्ता इसमाइल की खाकान अबासी की कि जब हम आलमी प्रेशर के अंदर आके कीमतें बढ़ा रहे थे और फिर भी पाकिस्तान सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत रखी थी आवाम को बचाने के लिए सारे बड़े सगीर में हमारी सबसे कम कीमतें थी लेकिन इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती गई पड़ती गई तो जब बढ़ती गई हमने एक पॉइंट पे फ़ैसला किया कि हम अब मज़ीद और बोझ नहीं डालेंगे अपने लोगों को हमने टैक्स कलेक्शन जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था जो टारगेट था उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया हमने उधर से भी और बाकी जगह से पैसा निकाल नकूल के हमने फ़ैसला किया कि जून तक हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने नहीं देनी हमने उसको सब्सिडाइज किया हम हमने इसलिए किया अपने आवाम के ऊपर ये जो बोझ पड़ता जा रहा था ये बचाने के लिए और जब आप डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है हर चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ता है इसका असर पड़ेगा ख़ास तौर पर जाके बिजली के ऊपर और बिजली पेट्रोल डीज़ल जब बढ़ता है हर चीज़ की चीज़ें महंगी होने लगी तो इन्होंने आईएमएफ का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया मेरी ये मेरा ये अब मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं क्योंकि मैंने तो अब साढ़े तीन साल में देख लिया है ये जो बाहर की कोवतें हैं ये चाहती नहीं हैं कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो ये चाहती है हम कमज़ोर रहें अब इन्होंने प्रेशर डाल के और क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है छः हफ्ते के अंदर इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो सबके सामने है रुपया भी गिरना शुरू हो गया स्टॉक मार्केट चीज़ें वैसी महंगी होंगी अब इसकी वजह से मज़ीद और महंगाई की तरफ अब जा रहे हैं तो मैं ये इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अब इनको नहीं पता कि इस मुल्क के ऊपर अब किस तरह का प्रेशर पड़ेगा आवाम के ऊपर आवाम में बदली आएगी आवाम जब ये मजीद और महंगाई आएगी अवाम तो बगावत की तरफ जाएगी हमने श्रीलंका में नहीं देखा क्या हुआ है हमारे सामने चार तीन चार दो महीने में श्रीलंका किधर से किधर पहुंच गए ये तो हमें उधर धकेल रहे हैं क्या अगर अमेरिका का हमारा इंटरेस्ट इतना ही होता तो क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में बड़ी मुश्किलों से हमने चीज़ें कंट्रोल की हुई थी तो हम हमारे ऊपर भी आई का प्रेशर था किमती बढ़ाओ हम नहीं बढ़ा रहे थे इन्होंने ये जो चीज़ें बढ़ाई है मैं आपको बताऊँ इससे इससे ये कौम के अंदर एक आ, मुल्क से बदली आएगी मुल्क से बदल होंगे वो बदहाली आनी आएगी उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर और मैं मैं तो समझता हूं कि यहाँ हमें उधर धकेल रहे हैं जिधर श्रीलंका जिस जिधर पहुँच चुका है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ना है हमारे मुल्क के आ, अमन और आ, 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 अमन में तो मैं इसीलिए जो सबसे ज़्यादा ये जो साजिश वो जो मुरासला जो आया था वॉशिंगटन से जो हमारी हमारे एम्बेसडर की मुलाकात हुई थी डोनल्ड लू से उसने उसमें क्या बात की थी उसने कहा था कि इमरान खान रूस क्यों गया उसने नाम लिया था कि इमरान खान रूस क्यों गया और इसलिए इसको आप हटाओ और अगर ना हटाया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर हटा दिया तो माफ़ कर दिया जाएगा तो लागे ऐसे रहा था कि मुझे जो असल माफ़ी पाकिस्तान को क्योंकि मैं रूस क्यों चला गया पहले तो मैं ये वाजे कर दूँ कि रूस सारे हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे फॉरेन ऑफिस था ये अस्करी की आदत थी सबकी मुशावरत से मैं गया था और मेरा मकसद रूस में जो हम हमने जो उनसे डील्स की थी सबसे बड़ा मकसद यह था कि हम लोगों के ऊपर रूस उसके तीस फीसद और अभी भी अगर ये चाहें हिंदुस्तान ने रूस से तीस फीसद कम कीमत पे, के, पे खरीदा है तेल हमारे हम भी वही डील कर रहे थे तीस फीसद कम अगर हम उनसे आ, तेल खरीदें तो हम आवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे हमने आगे सब्सिडाइज किया हुआ था हिंदुस्तान ने कम कर दिया बोझ उन्होंने कीमतें पता नहीं पंद्रह या पच्चीस रुपए उन्होंने अपनी आ, आ, डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर दी क्योंकि वो रूस से ले रहे हैं अब मेरा जो मसला उनको क्या है हिंदुस्तान आज़ाद कौम है उनको इजाजत है स्ट्रटिजिक कहलाए उनको इजाज़त है रूस से वो तेल भी खरीदें मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदें हमें क्यों नहीं इजाज़त और इतना गुस्सा क्यों कि जनाब इमरान खान की कैसे जरूरत थी वो रूस चला गया और उसने डील्स कर ली आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौन अदा कर रही है ये है ग़ुलामी की कीमत कि इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि कहें कि हमारी हमारा कम अज कम पांच करोड़ लोग गुरबत की लकीर से नीचे हैं पांच करोड़ लोग मजीद सिर्फ थोड़ा सा ऊपर है गुरबत की लकीर से और अगर एक झटका पड़ता है महंगाई होती है वो नीचे चले जाते हैं क्या ये नहीं बता सकते थे क्या ये अपने मुल्क के लिए नहीं बोल सकते थे कि ये जो आप करने जा रहे हैं इससे हमारे मुल्क में गुरबत बढ़ेगी हमें भी हिंदुस्तान की तरह इजाज़त दें क्योंकि इनको तो इजाज़त मांगनी पड़नी थी तो हिंदुस्तान को अगर वो उनको पता है कि उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इनको पता है कि हिंदुस्तान उनकी बात नहीं माननी हिंदुस्तान ने वाज तौर पर कहा है कि हमारे मुल्क में गुरबत है और हम अपने लोगों पर बोझ कम करना चाहते हैं हम क्यों नहीं कह सकते थे और ये फिर से मेरी जंग इस इम्पोर्टेड हुकूमत से ये है कि मैं ग़ुलामी नहीं कबूल करता मैं ये बाईस करोड़ लोग हम इन चोरों के गुलाम नहीं बन सकते जो कि मजीद अमरीका की ग़ुलामी करें और हर बात माने ये जो आई एम एफ़ है आई एम एफ तो अमरीका कंट्रोल करता है उसको तो ये ये जो कौन प्रेशर डाल रहा है कौन पाकिस्तान को धकेल रहा है ये जो कहते हैं लाइफ सपोर्ट मशीन पे, है? कौन पाकिस्तान किसने पाकिस्तान को लाइफ सपोर्ट मशीन पर रखा हुआ है और फिर ये कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स ये प्राइम मिनिस्टर कहता है ये आर, क्राइम मिनिस्टर कि हम बेकारी हैं इसलिए हमें गुलामी करनी पड़ती है तो ये तो जो जिस तरह आप जा रहे हैं तो हमेशा ही बेकारी रहेंगे इसलिए मेरा आखिरी लफज है इसलिए मेरा ये फैसला है ये जहाद है इनके खिलाफ छः दिन मैंने इनको दिए हैं छः दिन के बाद इन शौम को निकालूंगा और इस बार ही जब निकालूंगा तैयारी करके निकालूंगा हर किस्म की मुझे उम्मीद अपनी आ, सुप्रीम कोर्ट से है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त बहुत बड़ा रोल है मैं अपनी वकला कम्युनिटी को आज कह रहा हूँ जिस तरह उन्होंने वकला को मारा है बुरी तरह लाहौर के अंदर आपके सामने वहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर बैठा था उसको जो उन्होंने निकाल के जो उसको मारा है और एफ आई आर जो उन्होंने की है ये वक्त है मैं आज अपनी सारी कौम को अपील कर रहा हूँ मेरा फैसला है मैंने इनको कबूल नहीं करना मैंने इनके खिलाफ जहाज लड़नी है मैं आप सबको कहता हूँ कि छः दिन मैंने दिए हैं सारी कौम तैयारी करें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और इस बारी जब हम निकलेंगे हम तैयारी करके निकलेंगे हम अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते हैं जो हमारा हक है लेकिन अगर इन्होंने इस बारी वो हरकतें की जो इस बारी की हैं फिर ये जिम्मेदार होंगे जिस तरफ ये मुल्क जाएगा

हमारी जो सारी पंजाब की लीडरशिप थी तकरीबन उनके घरों के ऊपर रेड्स हुई उनको तो घरों से ज़्यादातर निक, निकलने दिया पता नहीं कितने सौ कारकुनों को उन्होंने जेलों में डाल दिया तो लोग एक गलत फहमी में पड़ गए थे कि किसी शायद इन्होंने हमें हम हमारा एक राइट है एक डेमोक्रेटिक राइट है और हमें कोई इसमें मुदाखलत नहीं होगी गलत फहमी में थे और उन्होंने ख़ास तौर पर जब सुबह को जब 25 की सुबह को एक 11 या 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का एक आ, एक रूलिंग आई जो हमने तो खैर सोशल मीडिया में मौका नहीं मिला क्योंकि काम भी नहीं कर रहे थे ए, इंटरनेट भी स्लो थी तो उसमें जो रूलिंग है उसमें तासर सबको ये मिल गया कि अब रुकावटें भी हट जाएंगी और अब कोई पुलिस एक्शन ही लेगी इसलिए कोई तैयारी नहीं थी जो आगे से उन्होंने किया इस इंसान तैयारी करता है जब उसको पता हो कि अगले ने क्या एक्शन लेना है अब तो पता चल गया ना उन्होंने क्या एक्शन लेना है तो वो तैयारी उसी के मुताबिक होगी लेकिन उससे पहले जो मैं अपनी वक्ला कम्यूनिटी और अपने सुप्रीम कोर्ट से मैं उनके पास भी अब ये टाइम होगा हमारे पास छः दिन गवर्नमेंट के पास भी टाइम है इस्टेब्लिशमेंट जो है जो बीच में न्यूट्रल या अपना रोल प्ले करती है उनके पास भी टाइम है देखे ना कोशिश तो ये है कि हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे हम अब यहाँ खून खराबा ना हो या मजीद हमारे हालात और ना बिगड़ें कोशिश तो ये है ये इस इसमें कोई दलेरी की बात नहीं है इसमें सिर्फ हिकमत की बात है मैं तो बल्कि लोगों को कहता हूँ कि ये असल में हम जो मुसलमान हैं हम वो सुलहदा का सोचते हैं वो एक बड़ी एक 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 हमत का था कि सब ने कहा कि नहीं जी आपको जाना चाहिए आगे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक बड़ी पिक्चर देख के फैसला किया उन्होंने कहा यह तो छोटा मकसद ज़बरदस्ती करेंगे तो अचीव कर देंगे लेकिन बड़ी पिक्चर है इससे और वो फिर वक्त साबित किया हमारी बड़ी पिक्चर क्या कि पाकिस्तान में अमन रहे पाकिस्तान में इधारों के बीच में मजीद नफरतें ना पैदा हों पंजाब पुलिस के जो जो उनका एक्शन लिया है उससे मज़ीद और आगे ना बढ़ जाए अब अगर खून हो जाता है तो आपको खुद पता है कि उसके फिर अब फिर आपके भी हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं तो उसको रोकने के लिए और टाइम देने के लिए हमने ये छः दिन दिए हैं लेकिन ये अगर किसी का ख्याल है मैं अपना आपको कह सकता हूँ कि मैं कभी भी इन मुजरमों की हुकूमत ना ये कबूल करूँगा ना मैं कोई बाहर से एक डिक्टेटेड एक इम्पोट एक वो हकूमत जो कि बाहर क्योंकि गुलामी करे और वो हमारे ऊपर मजीद हुकूमत करे हम उसको किसी किसी सूरत तस्लीफ नहीं करेंगे तो जो अगला लाइम होगा इन शह दिन के बाद आप मैं सामने रखूँगा लेकिन मैं वाजहे कर दूँ कि किसी सूरत हम इस सेटअप को कबूल नहीं करते बोले मैं आपको से कहूं कि हमने सारा वक्त अपने मुजाकरत खोले रखे और खोले भी रहने चाहिए क्योंकि हम चाहते क्या है हमको यह लड़ाई तो नहीं करने हैं ना हम तो बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव है इलेक्शंस ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस डिसोलूशन है असेंबली इलेक्शन इस ऑब्जेक्टिव पे हमने पहुंचना है सबसे बेहतर तरीका ही तो यह है कि हम नगोशिएट करके मुजाकर से जाए लेकिन अगर ये नहीं इससे पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट से पहुंचेंगे पब्लिक प्रोटेस्ट और मैं आपको यकीन दिला दूं कि इस वक्त कौम जिधर खड़ी है कोई कॉम इनको तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार सो प्रोटेस्ट हम करेंगे अब हम चाहते हैं कि हमें प्र... फिर अगर ये नहीं मानते तो पुरन प्रोटेस्ट करने का दें अगर ये पुरन प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे यानी अगर ये सारे समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह जुल्म सह लेंगे ये नहीं होने लगा सर ये पहला आपने दो तीन चार देखे, देखे साजिश में कौन मुलवस था वो सारी कौम जानती है जो जो हुआ चीज़ें उसके ऊपर मैं आगे बात नहीं करता सबको पता है किस किस का क्या रोल था आवाम सब जानती है आपका दूसरा ये है कि यहाँ का जो वसायल है वस नहीं कि वो वो में वक्त पर सबको पता चल जाएगा कौन आ, है कौन सामने आ जाएगा लेकिन 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 देखें देखें मैं ये कहता हूं कि जो जो हमने देखा है ये जो यजीद के फॉलोअर्स ने जो कल किया है मैं तो सारी ब्योक्रेसी को भी कहता हूँ सारे इदारों को भी कहता हूँ जिन जिन्होंने उसके अंदर शिरकत की है इन सब को जवाब देना पड़ेगा इस कॉम को भी ऊपर अपने वाले को भी अल्लाह को भी क्योंकि मैंने जो देखा हालात वहाँ किस तरह ये लिबर्टी चौक और डी चौक में ख़ास तौर की मैं बात कर रहा हूँ अब फैमिलीज़ देख रहे हैं खड़े वो किस तरह के हैवान थे जिन्होंने फैमिलीज़ के अंदर डायरेक्टली इस तरह इन्होंने टीयर ए गैसिंग किए और पता है कि बच्चों और बच्चे देख रहे हैं तो आ, इन सारों को इन इनसे जवाब तो ये कौम लेगी अब आज जी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ के देखिए देख देखिए देखिए आप आ, कोई सियासी मकासद नहीं होता ये मुल्क के लिए हम सब कर रहे हैं और आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें कि हम कभी भी ना मैं जो आदमी अपने घर में रहता है और एक कैंप ऑफिस नहीं डिक्लेयर करता दो घर हैं दोनों कैंप ऑफिस नहीं और एक अरब आठ करोड़ रुपया अपने ऑफिस का कम कर पाता है वो कभी भी गवर्नमेंट के वसाइल के ऊपर नहीं चलता उसको और कुछ ही खौफ खुदा है मैं महमूद खान की आप बात करें महमूद खान का हक था इनका राइट था कि ये जाए पंजाब के अंदर जाए किसी प्रोटेस्ट में ये एक मिनट ये शहरी है खिलाफ पाकिस्तानी है पाकिस्तानी का, का फर्ज है कि हकीकी आजादी के लिए पार्टिसिपेट करे उसमें हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं लेकिन ये आपको बता दें कि नगोसिएशन्स में ये होगा कि इलेक्शन आपको अनाउंस करने पड़ेंगी जून के महीने में अलेक्शन अनाउंस करने के लिए आप तैयार हैं बाकी सारी निगोसिएशन के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं मुझे सिर्फ ये इन्होंने जो कानून चेंज किया ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट ना देने का ये हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे ये पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है आप ये कर ही नहीं सकते ये ये, ये इस तरह का आप बैठ के जी औरतों को नहीं वोट देते आप कह सकते हैं हम औरतों को नहीं वोट दे सकते असेंबली बिल पास कर देती है ये बिल्कुल गलत है उनका फंडामेंटल राइट है कभी उसके खिलाफ लेजिस्लेशन भी नहीं कोई कर सकता इसको चैलेंज करेंगे कौन तो से कौन सा बिल हमारा हमारा जो बिल था वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था हमने एक साल पहले सारी ऑपोजिशन को बार बार दावत दी उनको हमने दो चीजों पे ईवीएम मशीन्स के ऊपर और हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग एक साल से हमने सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है बार बार अपोजिशन को दावत दी कि हमारे साथ बैठे दोनों क्यों एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का राइट है ये मुल्क चले ही ना अगर वो पैसे ना भेजें सारा मुल्क चल रहा है अगर वो इकतीस अरब डॉलर ना आता अब आई और सारी इमदाद एक तरफ कर लें तो वो पाँच परसेंट भी नहीं बनती जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजा है उनको अगर राइट का आप राइट ही नहीं दे रहे इलेक्शन का इससे बड़ा यानी ये छोड़ें कि उनके ऊपर कितना जुल्म है ये सब समझें कि आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं किसी सेक्शन को राइट ऑफ वोट तो ये हमने बार बार इनको कमिटीज पे दावत दी हम एक साल ये सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है उसके बाद आखिर में हमने ये जॉइंट सेशन बना के ये पास किए थे दोनों और ई वी एम मशीन्स ई वी एम मशीन क्यों थी एक दो हजार पंद्रह के अंदर जुडिशल कमीशन बैठी सुप्रीम कोर्ट में उस व चीफ जस्टिस के नीचे बैठी उसने फाइंडिंग्स दी उसमें चालीस फाइंडिंग्स थी और वो सारा एक ही चीज़ शो करती थी कि जितनी भी धांधली होती थी वो जब पोलिंग ख़त्म होती थी और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में होती थी सारा जो फॉर्म फिफ्टीन फोर्टीन जो सारा वो बैग्स खुले होते थे जो जो डबल स्टैंपिंग होती थी जो रिजेक्टेड वोट्स थी वो सारा होता था उस इस पीरियड के बीच में तो जो ई मशीन है वो सब कुछ ख़त्म कर देती है जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबा रिजल्ट आ जाता है तो वो सारा इशू खत्म हो जाता है सिर्फ वो लोग इसको पोज कर रहे हैं जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई हैं जिनको तरीके उन्होंने इतनी देर के तीस सालों में कैसे उन्होंने पैसे चलाने हैं आर ओज को पैसे देने हैं रिजल्ट चेंज करने हैं डबल स्टैम्प करना है वो अपोज कर रहे हैं हिंदुस्तान में होता है ये ई वी एम पे इलेक्शन पाकिस्तान में क्यों नहीं ये करने देते तो इस इसमें तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाह हैं पहली दफ़ा है सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है हम हमारी सिटिंग गवर्नमेंट ने ई वी एम मशीन्स लेके आए थे और और बाकायदा प्रजेंटेशन पब्लिक को दी थी कि क्या इसके फ़ायदे हैं क्या पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे सिर्फ इसको इसलिए ये ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शंस में ये धानली करते हैं जी 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 खुवा पहली चीज़ थी आपको मैं वाज कर दूँ कि जो जो आप कहते हैं ना कि एलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते मैं वो क्रिकेट की दो सौ साल तारीख का वो कैप्टन हूँ जिसने न्यूट्रल अम्पायर लेके आया था और पहली दफ़ा ये आपको नहीं पता होगा कि क्रिकेट में न्यूट्रल अम्पायर तब नहीं तो अपने अपने अम्पायर होते थे तो हम पहली दफ़ा लेके पाकिस्तान वो मुल्क है जो मेरी हमने छियासी के अंदर न्यूट्रल अम्पायर अब सारी दुनिया में न्यूट्रल अम्पायर है मेरी पूरी कोशिश थी कि जब मैं इकतदार में आऊँ हर इलेक्शन हमारा मुतनाज़ होता है मेरा पूरी कोशिश ये थी कि हम वो गवर्नमेंट बने जो पहली दफ़ा इलेक्शन इस तरह करवाए कि जो हारने वाला है वो मान जाए जिस तरह आज क्रिकेट में हमारे ज़माने में नहीं मानते थे आपके वो कहते थे जी अंपायरों ने हरा दिया दूसरे आज कोई सारे मान जाते हैं हार जीत क्रिकेट में उसी तरह अगर हमने ये जो रिफॉर्म्स लेके आए थे सब मान जाएंगे कौन जीतता है कौन हारता है तो आपने ये बात की ना कि जी आप रिज़ल्ट मानेंगे या नहीं अगर आप इलेक्शन ठीक करवा देंगे तो रिज़ल्ट सब मान जाएंगे दूसरी आपने मज़हब की बात की देखिए मेरे मैं अगर मेरे में ये ईमान ना होता कि इस मुल्क ये बचता ही तब है इस मुल्क को जिस नज़रिए के तहत ये मुल्क बना था इस्लामी फलाई रियासत अगर मेरा ये ईमान ना होता तो मैं पॉलिटिक्स में ना आता मुझे पॉलिटिक्स में क्या ज़ात में अभी तक मैंने क्या ज़ात में बनाया पॉलिटिक्स में मैं तो एक नजरे के तहत आया था और मैं उसी नज़रे के ऊपर खड़ा हूँ अब से नहीं छब्बीस साल से छब्बीस साल पहले आप देख लें कि मैं क्या, क्या क्या आया था पॉलिटिक्स में आज देख लें और मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये मुल्क बचेगा किताब जब ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर जाए जिस जिसपे मदीना की रियासत खड़ी हुई थी जिसमें मैं वाजह कर दूँ रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी फलाई रियासत मेरिटोक्रेसी और एजुकेशन इमरजेंसी जो हुआ था ये बेसिस थे उसके ऊपर इसी के ऊपर ये मुल्क इंशाल्लाह अजीम मुल्क बनेगा

लेकिन ना लोगों ने वजीरम हाउस की तरफ की दीवार नीति देखी ना लोगों ने गोल्डन हाउस की दीवारें नीति देखी ना लोगों ने हाउस वजीरिया देखी ना लोगों ने पाकिस्तान को आजाद होते हुए देखा ना चोरों को लड़कते हुए देखा अब आप अगर दोबारा लोगों को इंगेज करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो कौन सा नया नारा है और एक बात खान साहब आपकी टीमों ने यूट्यूबर्स और की बोर्ड वालियर्स से पाकिस्तान पता कर दी

तो है उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे कि जो तो के हवाले से ये पैगाम आपने कहा था कार में पैगाम पहुँचा दे तो मेरे ख्याल से अखार तक पहुँचा है गालियाँ बढ़ रही हैं तो आप अपने आप अवाम तव कर रहे हैं कि आप अपने वर्कर की थोड़ी सी तरबियत कर लें आप वही बिल्कुल आप इन चोरों के खिलाफ चलाएं पाकिस्तान को फ़तः करें फता करके दोबारा आप आवाम की खिदमत करें लेकिन ये जो नफरत की सियासत है और ये सियासत है इस हवाले से आज अपने वर्कर को पैगाम देंगे मैं इसका इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ लेकिन मैं वो नहीं दूंगा आपको मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई फता नहीं करता आप इलेक्शंस को जब आप अनाउंस करते हैं कि हम मुल्क में इलेक्शंस करवाना चाहते हैं तो आप फता नहीं करना चाहते आप जो लोग चाहते हैं उनकी राय पर आप आना चाहते हैं जिसको मर्ज़ी पब्लिक कर दें हमारा सिर्फ मसला ये है कि हम एक किसी साजिश के तहत जो इतना वाज साजिश हुई है पाकिस्तान के ऊपर जिसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा हुआ है जिसमें साजिश वाज है हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम किसी इम्पोर्टेड बाहर से किसी हुकूमत को ऊपर नहीं देखना चाहते क्योंकि एक आज़ाद मुल्क है हमारे बड़ों ने आज़ादी की पूरी तहरीक में शामिल होकर आज़ाद किया था जो भी कौम जिसको वोट देना चाहती है बिस्मिल्लाह हम तो सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई हमारे ऊपर इम्पोज़ किया जाए बाकी ये जो सारी आपने बातें की है मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि की बोर्ड बॉरियर्स और ये और वो आपको पता है कि सोशल मीडिया को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका आपको अंदाज़ा है आप ट्रेंड चलाएं सोशल मीडिया पे आप कोई ट्रेंड चलाते हैं वो अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते वो कल ख़त्म हो जाती है ट्रेंड चलती है ये एक सोशल मीडिया एक वो चीज़ हुई है जिसने अवाम को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है सारे अवाम के पास आवाज़ आ गई है जिसके पास फोन है उसके पास आवाज़ है वो अपनी आवाज़ सामने रख देता है तो इसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ये गलत फहमी जी आप नफ़रतें फैला रहे हैं नफरतें मैं फैलाना चाहता जो कल हालात थे वहाँ वहाँ नफरतें आपने तब देख ली थी कैसे फैलनी है जो आगे कल इंतजार होना था हम अपनी तरफ से मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं यूनाइट करने की कोशिश करते हैं हर जगह कोशिश करते हैं कि चारों सूबो यूनाइट हो कोई सूबा कोई ये जो लसानियत ना हो सूबिया इतना हो एक मुल्क को एक एक कौम बन के निकले कोशिश कर रहे हैं कि सारे तबके इकट्ठे मिलकर चले नजरिया पाकिस्तान इसलिए कि उसके ऊपर सारी कौम इकट्ठी थी उसको इसलिए सामने लेके आ रहे हैं जिसको आप दीन बीच में लेके आ रहे हैं पाकिस्तान बना ही एक नजरिए के ऊपर था नहीं तो बनने की जरूरत क्या थी तो इसलिए कौम को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल आपने गलत की है और एक गलत किस्म की तकरीर कर दिया बैठ के यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है थैंक यू